हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 48 रुपीज का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। लेकिन बैंक ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की है और बैंक ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस भी दिखाया है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये बैंक फ्यूचर के लिए एक अच्छी बाइंग भी लग रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि 48 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड करने वाला ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। 48 रुपीज का ये शेयर है और अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 21% का बढ़िया ग्रोथ है। अब देखिए, 39 रुपीज से ऐसी रैली आई थी कि शेयर बहुत ही कम वक्त में 51 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे 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 डाउन ट्रेड यहाँ पर शुरू हुई, 46 तक पहुंचा, फिर तेजी आई 49 तक पहुंचा, फिर आज गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे को। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 17-17.5% का ग्रोथ है। 18 रुपए से जो रैली बनी है ये शेयर को पकड़ना मुश्किल हो चुका है, और जब भी आप देखिए बहुत ही स्लो तरीके से ये ऊपर बढ़ा है। अब देखिए, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी फिर गिरावट। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है। 3 साल में भी अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में IDFC फर्स्ट बैंक में अभी भी 9% की गिरावट है। अब देखिए, ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कभी भी IDFC फर्स्ट बैंक को खरीदने की सलाह नहीं दी, लेकिन जैसे ही मार्च 2020 में जब शेयर ने अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए थे, ठीक है, मार्च 2020 के नतीजे जब इनके अनाउंस हुए थे, तकरीबन मई मई 5वें महीने में अनाउंस हुए थे, और तब शेयर काफी कम प्राइस पे था, 18 रुपए 19 रुपए के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा था, और तब नतीजे आए थे और बैंक ने प्रॉफिट बुक किया था। पिछले कुछ क्वार्टर से बैंक को हर क्वार्टर में नुकसान हो रहा था, लेकिन उस क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, और तब मैंने पहली बार कहा था यहाँ पर कि अब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया, बैंक धीरे धीरे एक पॉजिटिव नोट पे आ रहा है। जून में भी अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, तब भी मैंने बाइंग की रेटिंग दी थी, मैंने कहा था कि अब धीरे धीरे ये और ऊपर तक जाएगा, सितंबर में अच्छे नतीजे आए और दिसंबर में और बेहतर नतीजे आए। तो पिछले 4 क्वार्टर में अगर हम देखें तो बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और बैंक ने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए हैं जो काफी बेहतर है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री को लेकर अपना डिसीजन क्यों ना हो। बैंक ने पूरे क्रेडिट कार्ड बिजनेस को डिस्टर्ब करने का प्लान बना लिया है, उन्होंने एंट्री करी है वो भी बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड की जरूरत हर किसी को पड़ने वाली, और आज के वक्त में जो सैलराइज पर्सन है, जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता ही करता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से जो मूव लाया गया है क्रेडिट कार्ड का, वो एक बढ़िया मूव है, और डेफिनेटली इसका फायदा इनको फ्यूचर में जरूर होने वाला है, बड़ा बिजनेस इनका बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 55-56 का हाईज हमें देखने को मिला था 2019 के दौरान, और इस बार उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये शेयर उस हाईज को तोड़ने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो लार्ज कैप शेयर है ये, 28,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में देखिए तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है, और आप देखिए FIs और म्यूचुअल फंड दोनों खरीदारी के मूड में है। 11.23% की FIs की होल्डिंग, 11.57% है म्यूचुअल फंड की, 2.67% की होल्डिंग, 2.85% है। तो दोनों के द्वारा अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की है, 0.59% की होल्डिंग, 0.54% हमें देखने को मिल रही है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग है, 40% की हिस्सेदारी है उनकी, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 150 जितने FIs का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में क्लोवर डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, 8.32% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.57% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड 2018 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था, उसके बाद 2019 और 20 में डिविडेंड पे नहीं किया है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत, यहाँ से और ऊपर तक शेयर आगे बढ़ सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की और होल्ड करने की ही बात कर रहा है, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। 94% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश हो तो वो है इनके रेवेन्यूज। अब देखिए, रेवेन्यूज इनके इंटैक्ट है, तकरीबन 4,000 करोड़ तक के रेवेन्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो है इनका प्रॉफिट। दिसंबर में 1,631 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था 2019 में, लेकिन उसके बाद के जो 4 क्वार्टर है उसमें धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये सबसे बेहतर चीज है। अब देखिए, तकरीबन 75 करोड़ का प्रॉफिट आपको मार्च 2020 में देखने को मिला, जून में 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला, सितंबर 2020 में 109 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी 135 से 140 करोड़ तक के प्रॉफिट्स हमें दिसंबर 2020 में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी बैंक्स के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि आपको क्वार्टर दर क्वार्टर मुनाफा देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो नेगेटिव था, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो इस बैंक के लिए वो अच्छी बात है। देखिए, जब तक मार्च 2020 के नतीजे नहीं आए थे तब तक मैंने कभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही नतीजे अच्छा है मैंने वीडियो बनाकर आपको फौरन इन्फॉर्म किया था कि भैया खरीदारी करो, यहाँ पर चूकिएगा मत। जून में भी अच्छा नतीजा है, और देखिए, मैं हमेशा यहाँ पर कहता हूँ, मैं हमेशा इस शेयर में यही कहता हूँ कि ये शेयर बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक सडन तेजी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ऐसे ही बढ़ेगा, तेजी के बाद आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर 5 रुपए ये ऊपर जाएगा तो वापस से 3 रुपए नीचे भी आएगा, लेकिन आपको आने वाले दिनों में जो इसका जो ग्राफ है वो इसी तरीके से ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर अगर आप चाहे तो टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं, और कभी भी किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की कोशिश मत करिए। अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पर, प्रमोटर के पास, एफआईएल के पास, म्यूचुअल फंड के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको मजबूती मिलने वाली है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बैंक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और पिछले कुछ दिनों में जो डिसीजंस बैंक के द्वारा लिए गए हैं वो मुझे काफी बेहतर लगे हैं, चाहे प्रॉफिट में आने को लेकर हो या फिर जो क्रेडिट, इनका जो नया बिजनेस ये लोग लेकर आ रहे हैं, इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, तो ये भी याद रखिए आने वाले दिनों में काफी हद तक सक्सेस होने ही वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी की है तो बने रहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, बेचने की गलती मत करिए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहाँ पर 3-4 महीने का नजरिया है तो भैया मत निवेश करिए यहाँ पर, लेकिन अगर 3-4 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और अच्छा परफॉर्म करेगा ओवर द नाइट। हर क्वार्टर में आपको इसी तरीके के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि देखिए शेयर इसी तरीके से मूव करेगा, थोड़ी सी तेजी आएगी फिर थोड़ी सी गिरावट भी आ जाएगी, तो आपके पास मौका होना चाहिए एवरेजिंग करने का। तो इसीलिए टुकड़ों में खरीदारी करिए, अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और अगेन कहूंगा लॉन्ग टर्म का नजरिया ही रखिए यहाँ पर। तेजी और गिरावट यहाँ पर आती रहेगी, तेजी आने पर ओवर एक्साइटमेंट मत हो जाना और बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना, और गिरावट आने पर पैनिक में मत आ जाना और बिकवाली मत कर लेना। नजरिया रखिए यहाँ पर 3-4 साल तक बने रहने का, और अगर कभी भी कोई ऐसी बड़ी खबर आती है कि जिससे शेयर बहुत बुरी तरीके से टूट सकता है, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दिया करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे, और हो सकता है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद थोड़ा सा जो सिनारियो है वो चेंज भी हो जाए, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होगा मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अभी के लिए शेयर पॉजिटिव है, ट्रेंड में है, अच्छा खासा ग्रोथ इसका फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, और अच्छे बिजनेस की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे हाल फिलहाल में तो ये शेयर एकदम सेफ लग रहा है, डरने वाली यहाँ पर कोई बड़ी बात देखने को नहीं मिल रही है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।